Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estás. And today is Friendship Day, so happy Friendship Day all of you. And what's up everyone and hope all is well. This is your all, welcome to my YouTube channel. So today's vlog is the start. चलते हैं, बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। आज संडे, हमारी छुट्टी है, तो आज घूमना तो बनता ही है बॉस। एक ही दिन मिलता है संडे, वैसे छुट्टी ले सकता हूँ, लेकिन संडे का ऐसा है कि संडे को छुट्टी ही रहती है, तो आज थोड़ा घूमना बनता ही है। तो एक और ये मंदिर है, ये नर्मदा मैया का मंदिर है, ये नर्मदा जी का मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, बहुत प्यारी। मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो आपको, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस है, ज़रूर घूमने आए। बहुत प्यारी, वो तो मतलब बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह यार, वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। इस जगह का नाम है रामगढ़ा, मतलब जगह का नाम है रामगढ़ा। ये रहटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर शनिदेव महाराज का मंदिर है और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता हैं। ये पूरे अंदर जाना अभी अलाउड नहीं है क्योंकि ताला लगा हुआ है। अभी इसके अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि ताला लगा हुआ है। कौन से भगवान है ये, पता नहीं कौन से भगवान है ये जो अंदर है, शायद शनिदेव है। एक बना हुआ है, मतलब ये आपको दिख रहा है, ये एक बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा ये कौन से भगवान है। हमको सनातन धर्म से, लेकिन हमें खुद को नहीं पता वो कौन से भगवान है। कभी कभी हो जाता है शायद शनिदेव महाराज, मुझे लग रहा है 80% की शनिदेव महाराज है, लेकिन 20% भी नहीं हो सकता। जस्ट पूछा शनिदेव महाराज ही है वो। अभी जो आपने देखा वो लेफ्ट हैंड साइड का था मंदिर का, और अब मैं दिखा रहा हूँ वो राइट हैंड साइड का। अभी चलो, एंड ये राइट हैंड साइड का है, मतलब दो रास्ते हैं, एक लेफ्ट साइड भी मंदिर है और राइट साइड भी मंदिर है। और सीधा जाओगे तो सीधा एक तालाब पड़ेगा अंदर, अभी तालाब भी आपको दिखाऊंगा मैं अंदर। एंड ये लेफ्ट हैंड साइड के भगवान, ये राइट हैंड साइड का, सॉरी राइट हैंड साइड का एरिया है ये।
इतना एरिया जो है हवन वगैरह के लिए, मतलब यहाँ पर भंडारा वगैरह भी होता है, काफी बड़ा एरिया है यार। जरूर विजिट कीजिएगा आप, बहुत खूबसूरत जगह है। वाकई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको दूं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। एंड ये पीछे आपको दिख रहा है, ये मंदिर का पीछे वाला एरिया है, ये पीछे का एरिया है, मतलब ये सबसे पीछे है, ये सामने का फ्रंट का ये है। ये मंदिर के पीछे से एक नदी भी बह रही है, नदी या तालाब कह सकते हैं इसको, तालाब तो नहीं है वैसे ये नदी, क्योंकि पानी बहता हुआ तो ये नदी है। अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, कर देना सब कुछ कर देना, एंड सब्सक्राइब भी कर देना एंड शेयर भी कर देना। एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी वो रोड, रोड पे इतने ज़्यादा गड्ढे थे, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे, बाकी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मौसम जो संडे का जो मौसम था ना वो बहुत ज़्यादा शानदार था, मतलब यानी मौसम ही इतना प्यारा था कि घूमने का मज़ा ही कुछ अलग रहा है, मतलब यानी मौसम ऐसा था कि आप कोई भी नॉर्मल सी भी रोड पर निकल जाओगे ना तो आपको बहुत गर्म लगेगा।